अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने मोबाइल के अंदर फॉल्ट पता कर सकते हैं कि आया ये सॉफ्टवेयर का है या कि हार्डवेयर का है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एप्लीकेशन लेकर आई हूँ और मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे होगा ये कि आप लोगों को मेरी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की तरफ बढ़ें, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत किया करें, वरना आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। वहाँ पर हमें सर्च करना होगा एक एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ कि उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, दिखती कैसी है। उस एप्लीकेशन का नाम है फ्रेंड्स फोन डॉक्टर 2020, ठीक है, डॉक्टर प्लस, ठीक है, फोन डॉक्टर प्लस। आप जब सर्च करेंगे ना, वो आपको ये वाली एप्लीकेशन दिखा देगा, ठीक है। इसे खुलने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। देखें, अब ये देखें, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं आपके जो मोबाइल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही आप ये प्ले का बटन यानी दबाएंगे तो ये जो है स्टार्ट कर देगा। ये देखें, अभी बोला है अलाओ अलाओ करें, सब चीज़ों की आपने परमिशन दे देनी है, ऐसे परमिशन दे देनी है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका पूरा चेक करना शुरू कर देगा। हर चीज़ में जो जो ये एक्सेस मांगते आ रहे हैं ना, आपने दे देना है, क्योंकि ये इसलिए लेते हैं ताकि आपके उसमें टेस्ट हो सकें सब चीज़ें। अब जो जो चीज़ें हैं ना, ये देखें, ये टेस्ट कर रहा है आपकी मेमोरी कैपेसिटी क्या, एक्सेस स्पीड क्या है, जो जो चीज़ें आपके मोबाइल की टेस्टिंग चलेगी। अगर आप लोगों को मोबाइल में कोई भी फॉल्ट होगा तो ये आपको फ़ौरन से बता देगा। तो अभी देखेंगे, स्पीड बता रहा है, इसने ये चीज़ की चेक करी है। अब ये CPU को चेक करेगा इसी तरह 1 बाय 1, और कोर क्वान्टिटी देखें, ये देखें, ये बहुत ही आसानी से आपका परफॉर्मेंस वगैरह सब चेक कर रहा है। आप इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि मेरे मोबाइल के अंदर आया कौन सा मसला चल रहा है, ठीक है। और भी इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन है, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरह से आप लोगों ने करना है। ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो इससे मैक्सिमम 1 से 2 मिनट्स लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं इसको रोक देती हूँ जब तक ये कम्प्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, जो मैं स्कैनिंग करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन पे। आप यहाँ से इसे अलग अलग भी चेक कर सकते हैं कि आपके CPU का क्या है, इस तरह आप अलग अलग इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप आगे जा सकते हैं, कॉल फंक्शन को अलग से सर्च कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है वो थ्रेश का ऑप्शन आता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये देखें, आप यहाँ से इसे अलग से भी चेक कर सकते हैं, जो भी इसका थ्रेश वगैरह है उसको क्लीन कर सकते हैं। देखें, क्लीन थ्रेश, यस कर देंगे, ठीक है। स्कैन कर सकते हैं इसको, इस तरह से ये पूरी फाइल्स को एक दफ़ा स्कैन कर लेगा, उसके बाद आप क्लीन कर लेंगे। उसके बाद जो है आपके पास बैटरी परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं, उसमें आपको टोटल 10 मिनट्स लगते हैं और आप उससे जो है अपनी बैटरी को चेक कर सकते हैं। ये तो बहुत जल्दी से हो जाता है ये वाला, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, और अगर आप पूरे मोबाइल का करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो ये देखें, अब यहाँ से मैं आपको आगे आगे दिखाती हूँ। देखिए, बैटरी हेल्थ आप स्टार्ट करेंगे ना तो ये 10 मिनट में लगेगा, और इसके अंदर आप जो है पावर पर नहीं लगाएँगे इसको, ना ही ओवर हीट हो आपका मोबाइल, तो उसको ये सब चीज़ें चेक करेगा, ओवर हीट तो नहीं हो रहा, ताकि आपके मोबाइल की हेल्थ कैसे आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।